ट्वेल्थ में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास ट्वेल्थ है उसमें जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है, प्रैक्टिकल फाइल में जो एक्सपेरिमेंट नंबर पहला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट नंबर वन है, जो फाइल बननी है 12 में, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे जो आगे के वीडियो होंगे या एक्सपेरिमेंट होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं आगे तो क्या है। सबसे पहले जो फाइल बनानी है तो उसमें जो एक फाइल फीते वाली भी आती है और कंबाइंड पेज वाली भी आती है, फीते वाली में अलग अलग पेज रहते हैं, तो उसको लेना है। तो आपको राइट साइड में चित्र बनाना है और लेफ्ट साइड में जो लाइनिंग वाले पेज होंगे उसमें लिखना है, समझ गए। तो जैसे अमीबा यहाँ लिखा है तो इसको राइट साइड वाले में, लेफ्ट साइड वाले में लिखना है, और राइट साइड वाले में जो प्लेन पेपर लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें हम इसका चित्र बनाएंगे। जो अमीबा है तो अमीबा का, और अगर जो साइकन है तो साइकन, आगे के जो प्रैक्टिकल है तो ऐसे प्रकार से बनाना है, मतलब इस साइड चित्र बनाना है और लिखना वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब तो हमें अब इसको देखो करना क्या है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन, तो यहाँ आपको प्रयोग नंबर वन लिख लेना है या ऊपर लिख लें, आप जैसे लिखा नहीं हो, लिखा हो तो उसी में डाल दें, नहीं है यहाँ लिखना है प्रयोग नंबर वन या एक्सपेरिमेंट नंबर वन हो जाएगा। उसी में डेट इस साइड कर लें तो वहाँ डेट डाल लें, तो 2/12/2023 हमने डेट डाली है तो यही डेट डाल लें, या फिर अपने हिसाब से जो कॉलेज में होते हैं आपके तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब जो है पहला एक्सपेरिमेंट नंबर पहला है वो अमीबा है, क्योंकि पहला संघ जो होता है प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ में पहला है जो अमीबा आता है। तो आज इस वीडियो में हम अमीबा के बारे में बताएंगे, क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है इसको भी बताएंगे हम। तो पहला है अमीबा, तो सबसे पहले हेडिंग से हमें लिख लेना है अमीबा, अमीबा लिख लेंगे। अब उसी के नीचे अगली लाइन में लिखेंगे जूलॉजिकल नेम, तो जूलॉजिकल नेम लिख भी सकते हैं आपकी जूलॉजिकल नेम, और डैश करके लिख सकते हैं अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस नामक जो अमीबा है उसके बारे में जब करेंगे तो ये हो जाता है अमीबा प्रोटियस, ये क्या है जंतु वैज्ञानिक नाम है अमीबा का। तो जिसमें अमीबा क्या है जो ये है वंश, और ये प्रोटियस क्या है जाति होती है। तो इस प्रकार से हमारी हेडिंग डल जाएगी। अब हेडिंग तो डल जाएगी, किस में डलनी है, जो लाइनिंग वाला पेज है, जो लेफ्ट साइड हमने जो लाइनिंग वाले पेज लगाए हों उसमें क्या करना है, ये हेडिंग से हमें डाल लेना है और ये भी लिख लेना है। अब इसके बाद राइट साइड में जो होगा पेज प्लेन पेज लगेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें चित्र बनाना है, समझ गए। तो चित्र कौन सा बनना है ये हम आपको बता रहे हैं, देखें ये रहा चित्र, ये जो चित्र है इसको क्या करना है बना लेना है। और चित्र में ये किसका है, तो अमीबा का सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, मतलब कंबाइंड जो सूक्ष्मदर्शी होती है, प्रकाशी सूक्ष्म लाइट माइक्रोस्कोप होती है, उसके द्वारा इसको देखा गया है। तो इस प्रकार से अमीबा का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ये दिख रही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब संकुचन सी रिक्तिका है, ये फूड वैक्यूल्स हैं, एक केंद्रक है, और इसमें अन्य चीज़ें भी आपकी सब दिख रही हैं, कूटपाद हैं, स्यूडोपोडिया, ये एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में सब होंगे। ठीक है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया अदर हैं। तो इस चित्र को बनाना है, तो आप वीडियो को रोक करके इस चित्र को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप चित्र बना लेंगे, या आपके पास बुक है तो उससे बना लें, या नेट से सर्च करके भी बना लें। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है ये किसका चित्र है, ये सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चित्र बनेगा, कहाँ बनेगा, प्लेन पेज में, जो हमने राइट साइड लगाया, फीते वाली फाइल है। अगर आपने कंबाइंड पेज वाली, मतलब जुड़े हुए सब पेज जुड़े होते हैं वो फाइल लेंगे, तो आपको इस चित्र को कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट साइड बनाएंगे और राइट साइड लिखेंगे, बात इतनी समझ गए होंगे। अब ये था क्या,
प्रकाश की सुंदर से तो या तो ये बना लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा चित्र देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा उसको भी बना सकते हैं आप। तो देखें वो जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का चित्र है, तो अब ये रहा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का ये चित्र है अमीबा का जो देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक, लिखा ना इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर। अगर अमीबा को इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। तो आपको अगर ये बनाना हो तो इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर वो जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उसको भी बना सकते हैं, या फिर हम इसको बना लेंगे। दो में से कोई भी आप चित्र बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का चाहे उसका, ठीक है। दो चित्र हमने बता दिए हैं, अब करना का है आगे बताते हैं आपको। अब इसके बाद जहाँ चित्र बनाया है तो साइड में ऐसे कोना होगा, या जैसे यहाँ चित्र बना है हमारा, तो इस कोने पर क्या कर देंगे आप क्लासिफिकेशन लिख करके एज को लिखना है, मतलब चित्र वाले पेज पर ही कोने में क्या करना है वर्गीकरण को लिखना है। जो प्लेन पेज है जिस पर चित्र बना है उसी पेज पर क्या करना है क्लासिफिकेशन लिख करके इनको लिख देना है। तब अमीबा का जो अमीबा प्रोटियस है उसका जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है तो वो क्या है, तो पहला है किंगडम। किंगडम को क्या कहते हैं, जगत। तो जगत क्या है, प्रोटिस्टा। जो अमीबा है वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, या किंगडम जो है प्रोटिस्टा है इसका। अगला देख लेते हैं, तो फाइलम। तो अमीबा किस फाइलम के अंतर्गत या संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो यह है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत अमीबा को रखा गया, तो ये लिखना है। फिर लिखना है क्लास। तो क्लास क्या है अमीबा की, तो अमीबा की क्लास है सार्कोडिना। क्या है, सार्कोडिना क्लास या वर्ग के अंतर्गत अमीबा रखा गया। तो क्लास मतलब वर्ग होता है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गण है। तो अमीबा जो है किस गण या ऑर्डर के अंतर्गत रखा है, तो अमीबाइडा। दो अमीबाइडा है, ये है क्या अमीबा का जो गण है या ऑर्डर है। आगे चलते हैं, तो जीनस है, जीनस को वंश कहते हैं। तो जीनस मतलब अमीबा, प्रोट अमीबा है, क्या है अमीबा जिसका जीनस है। और इसके बाद स्पीसीज या जाति, तो जाति क्या है प्रोटियस जाति है। तो इस प्रकार से ये क्या है अमीबा का वर्गीकरण है। जो हमें चित्र जो बीच में बनाया है, चित्र को हमेशा बीच में ही बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, और चित्र बनाने के बाद अमीबा के वो जो चित्र होगा उसके नीचे लिखना ही कि किसका चित्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हो गया। अब इसमें देखो ये है इसका जंतु विज्ञान अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस किससे, द्विनाम पद्धति के अनुसार बनते हैं, ये आपको पता है। तो जिसमें पहला वंश और दूसरा क्या जाति होती है। तो देखो यहाँ यह अमीबा इससे मिलता है और ये कहा प्रोटियस। तो ये दो जो जंतु वैज्ञानिक नाम होंगे उसी से आ जाएंगे। तो अमीबा प्रोटियस, तो ये जीनस और स्पीसीज होते हैं जो उसी से जंतु वैज्ञानिक नाम बन जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पेज नंबर है तो पेज नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो ना लिखें, लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर और डेट जरूर डालेंगे। तो ये हो जाता है आपका वर्गीकरण, जो हमें चित्र वाले जहाँ चित्र होगा उसी पेज पर क्या करना है कोने में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। अब लाइनिंग वाले पेज में जो अमीबा, ये हमने हेडिंग डाली थी अमीबा और प्रोटियस, जी अमीबा डाला था, फिर उसके नीचे अमीबा प्रोटियस या ये लिख करके डाला था जंतु वैज्ञानिक नाम और डैश करके लिखा था अमीबा प्रोटियस। अब उसमें क्या लिखना है, तो उसमें कमेंट्स लिखने हैं कि अमीबा कैसा दिखता है आपने, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखा है, तो ऐसे कमेंट्स लिखने हैं जैसे हमने खुद देखा हो। तो देखें ये रहे कमेंट्स, तो आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है क्या कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट में पहला कमेंट क्या है, देखो यहाँ है, तो अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी है। कैसा है, मतलब अमीबा को देखा हमने तो कैसा दिखाई दिया, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक दिखाई दिया है। दूसरा क्या है इसका, तो दूसरा जो है इसका आकार प्रति पर बदल रहा है। देखो हम अगर सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो हम देखने पर हमें कैसा प्रतीत हो रहा है, देखने पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका आकार क्या है प्रति पर बदल रहा है, अर्थात यह है कैसा है अनियमित आकार का होता है। जो क्योंकि इसका आकृति जो है बदल रही है प्रतिपल, इसलिए यह कैसा है अनियमित आकार का होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। अगला देख लेते हैं, तो अगला ये रहा। अब जैसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो अमीबा का जीवद्रव्य जो है अंतः, क्या है अंतः जीवद्रव्य एवं बाह्य जीवद्रव्य दो भागों में बटा है। अब देख रहे हैं हम सूक्ष्मदर्शी से तो कैसा दिखाई दे रहा है, दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, समझ गए। अगला देख लेते हैं, तो चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है अमीबा पर
कूटपाद दिखाई दे रहे हैं, तो कूटपाद हैं इस पर, जो क्या करते हैं अमीबा के गमन तथा भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। समझ गए बात, सहायक होते हैं, इसके कूटपाद दिखाई दे रहे हैं, स्यूडोपोडिया भी कहते हैं जिन्हें। अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट है अमीबा के अंतः जीवद्रव्य मतलब एक्टोप्लाज्म में संकुचनशील रिक्तिकाएं हैं जो पराशन नियंत्रण ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है तो अगले वीडियो में बता देंगे हम कभी। आगे देखते हैं अगला है, तो अमीबा अंतः जीवद्रव्य में, जो अमीबा के अंतः जीवद्रव्य में क्या है, खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं या दिखाई दे रही हैं। हमने आपको बता दिया है पहला कि हमें लिखना कैसे है, ऐसे लिखना कि हम खुद देख करके लिख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में स्वयं कर लेना है और देख करके अपना बताना है, इसलिए है अमीबा के अंतः जीवद्रव्य में क्या खाद्य रिक्तिकाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगला है अमीबा एक जलीय प्राणी है, अमीबा को हमने जल में देखा है इसलिए जलीय प्राणी है। आगे है अमीबा के अंतः जीवद्रव्य में क्या है, एक गोल व वृत्ताकार या उभयतल एक केंद्रक होता है, तो ये केंद्रक है अंतः जीवद्रव्य में, तो ये हो जाते हैं इसके क्या लक्षण या कमेंट्स हैं, ये इतने हैं। तो आपको लिखना का है, चित्र बनाना है, किस में बनाना, प्लेन पेज में बनाना है, फीते वाली फाइल है तो दाएं साइड, और बाएं साइड आपको लिखने वाला पेज लाइनों वाला लगाना है, और चित्र के साइड कोने पर क्या लिखना है, तो ये चित्र के कोने पर वर्गीकरण लिखना है। ठीक है, ये अमीबा जो अमीबा हेडिंग कहाँ डालना, लाइनिंग वाले में, और फिर ये जो ये कमेंट्स हैं ये कमेंट्सों को लिख देना है। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम अगले फाइलम का जो अगला चित्र होगा वो फाइल के लिए बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही।